आसनसोल नगर निगम के वार्ड 68 में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ हुआ, जिसका निरीक्षण करने नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कुंडू सोमवार को बढ़ाकर पहुंचे, जहां उनके साथ तृणमूल के वरिष्ठ नेता रोबिन लाइक, पप्पू सिंह, सुब्रत भादुड़ी आदि उपस्थित थे। मालूम हो कि काफी दिनों से वार्ड 68 में पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे थे। स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम को इसके संबंध में कई बार आवेदन दिया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए बीते सप्ताह नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य वार्ड 68 में आकर समस्या से रूबरू हुए और उन्हें जल्दी इस पेयजल समस्या से छुटकारा देने का आश्वासन दिया और नगर निगम की ओर से सोमवार को कार्य शुरू हुआ। कार का जायजा लेने आए प्रशासक बोर्ड सदस्य श्री कुंडू ने कहा कि वार्ड 68 के करीम डंगाल, डिपू डंगाल आदि क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर काफी बार कंप्लेन आया है। हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बीते एक महीने से इस पेयजल समस्या के निदान में लगे हुए थे। वहीं आज हमने वार्ड 68 में पानी की समस्या को दूर करने हेतु पाइपलाइन बिछाने के कार्य शुरू किया। सर आपने एक खोज नेबेन যে গতকাল থেকে আমরা প্রত্যেকটা জায়গা দেওয়া শুরু করে বলে দিয়েছি এবং তার জন্য ওয়ার্ড অর্ডার বেরিয়ে গেছে। গতকাল 102 নম্বর ওয়ার্ডে একটি গ্রামে কাজ শুরু হয়েছে অলরেডি এবং সব জায়গাতেই শুরু হয়ে গেছে। এটা কি পুরো বড়াকরবাসীর জন্য? পুরো বড়াকরবাসীর জন্য, বড়াকর শুধু নয়, মানে বড়াকর আমরা বড় আট নয়, পুরো কুলটি বড়াকর দিশেরগর সবার জন্য। এবার সেখানে 4200 অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে আর আমরা স্যাংশন করেছি 6000 কানেকশন, সুতরাং কারোর জলের সমস্যা হবে না। আচ্ছা বাকিগুলো কখন হবে, যেগুলো বেঁচে আছে অ্যাপ্লিকেশন? প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনই সলভ হয়ে যাবে এর মধ্যে, সব সলভ আগামী 2 মাসের মধ্যে সব সলভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে।